हेलो दोस्तों, ऑल इन वन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सूरज आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अनलिमिटेड मनी में FS18 को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास कमेंट आई थी कि हम FS18 को कैसे अनलिमिटेड मनी में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझको थोड़ा समय लग गया इस वीडियो को बनाने में। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि हम इसको फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है आपको उसको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का फ्रंट व्यू आएगा। फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले नीचे जाना होगा और नीचे की साइड यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मिंग सिमुलेटर 18 APK। बट आपको ये डाउनलोड नहीं करना है, आप इसे नीचे वाला देख सकते हैं, फार्मिंग सिमुलेटर 18 APK+ मोड, आपको ये वाला डाउनलोड करना होगा और इसकी OBB फाइल डाउनलोड करनी है। आपको ये दोनों फाइल डाउनलोड करनी है, आपको इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना होगा, क्योंकि दोस्तों मैं इनको पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं इसको फिर से डाउनलोड नहीं करना चाहता। तो आपको क्या करना होगा, डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। मैं कैंसिल पर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। आपको सेम ऐसे इस पर करना होगा, OBB फाइल पर, इस पर क्लिक करना होगा और 5 सेकंड का वेट करना होगा, फिर इसकी लिंक आ जाएगी और यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। बट मैं इसको भी डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसको पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, फिर आपको इस पर कैंसिल करना है। जब दोस्तों आपका ये डाउनलोड हो, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, पहले उसकी APK फाइल को इंस्टॉल कर लेना होगा। तो दोस्तों, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये इंस्टॉल हो चुका है और इसको डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम ES फाइल मैनेजर है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पर लिखना है ES फाइल मैनेजर। देखिए दोस्तों, इसको ऊपर ही आ चुका है। तो आपको क्या करना होगा, इसको डाउनलोड कर लेना होगा। तो दोस्तों देखिए, मेरी ये फाइल एक्सप्लोरर जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों, ये इंस्टॉलिंग चल रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको क्या करना होगा, इसको ओपन कर लेना होगा, यहाँ पर जाना होगा, इंटरनल स्टोरेज ऊपर लिखा हुआ है और आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, जहाँ पर आपका वो डाउनलोड हुई थी जिप फाइल, उस पर आपको जाना होगा दोस्तों। तो डाउनलोड में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मेरी जो ये है डाउनलोड हुई थी। तो मैं अब इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर मोर का ऑप्शन है और मोर पर क्लिक करना है आपको। मोर पर क्लिक करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट टू लिखा हुआ और उस पर क्लिक कर लेना है। एक्सट्रैक्ट टू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चूज पाथ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद SD कार्ड पर क्लिक करना है और SD कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपको अपने एंड्रॉयड में जाना है। एंड्रॉयड में जाने के बाद दोस्तों, OBB आपका यहाँ पर एक फोल्डर होगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर एक OBB फोल्डर बना लीजिए। OBB फोल्डर बनाने के बाद इसको ओपन कर दीजिए और यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये मेरे सक्सेसफुल हो चुका है एक्सट्रैक्ट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ गेम को ओपन करके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा जो गेम है वो